उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कल पूरे देश भर में रामनवमी का महापर्व मनाया गया। राम जन्मोत्सव यानी रामनवमी चैत्र महीने के शुरुआत के दिनों से ही हम लोग नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि यानी बड़ी नवरात्रि, और इसके नौवे दिन यानी रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। गुजरात में भी हर जिले में हर क्षेत्र में रामनवमी का ये महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं अरवल से हिमांशु जी क्या खबर लाते हैं। भारत राम जी के रंग में रंगा हो दिखाई दे रहा है, उसकी तहत आज अरवली जिले के वासा शहर में आप देख रहे हैं कितने भीड़ कर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। हिमांशु अरवली रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामानि शानि शरणे, रामे रामायण रचे, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भक्त कहते हैं, पिता कहता है कि पुत्र हो तो श्री राम जैसा, पत्नी कहती है पति हो तो श्री राम जैसा, भाई कहते हैं भाई हो तो श्री राम जैसा। वैसे भगवान श्री राम का आज जन्मदिन पूरा भारत मना रहा है। तो आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन श्री सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की ने धरती लोक में राम रूप में जन्म लिया। रामलला के जन्म की पावन बेला को ही रामनवमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेकर अपने सातवें अवतार में प्राणी मात्र के सामने प्रकट हुए थे। श्री राम देश के महान राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े संतान के रूप में जन्म लिया था। संसार में मर्यादा, सादगी, अच्छाई, धैर्य और अच्छे व्यवहार, त्याग और कर्मनिष्ठ जैसा पाठ का पढ़ाने वाले श्री राम भगवान का आज जन्मदिन पूरा भारत भर मना रहा है। तो उसी के तहत आज भारत भर में पूरे देश में श्री राम के नाम का ही जय जयकार हो रहा है और रामनवमी के पावन पर्व पर हरेक जिले में हरेक राज्य में श्री राम भक्त द्वारा श्री राम की प्रतिमा को पूजन करके और उनकी शोभा यात्रा नगरों में निकाली जा रही है। उसके तहत आज गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा शहर और उसके अनेक गांव शहरों में श्री राम भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसमें हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में श्री राम जैसे जैसे गुणों का संचार करने की बात भी सोचते हैं। और इसी तरह रामनवमी का त्यौहार हरेक भक्त जन मना रहा है। हिमांशु व्यास, अरवली, मोड़ासा। कह गए ऋषि मुनि भी, कह गए सबके दाता।